मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और शेयर करें, मेरी नई वीडियोस देखने के लिए बेल के बटन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइवली स्किल्स। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पिज्जे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और आसान और मज़ेदार पिज़्ज़ा बनेगा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा डो बनाऊंगी, जो कि परफेक्ट पिज़्ज़ा डो है। इस डो से आप हर तरह का पिज़्ज़ा बआसानी बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार, इससे क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों तरह के पिज़्ज़े तैयार होते हैं। ये परफेक्ट डो है जी व्यूअर्स। डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 500 ग्राम, जो कि 4 कप है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 अंडा है, 6 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और 1 चम्मच मैंने इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल किया है और 2 कप मैंने दूध लिया है, जिसमें से मैं 1.5 कप इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं तमाम चीज़ों को मिलाकर मैदे में अच्छी तरह इनको मिक्स कर लूंगी। और फिर मैं नीम गरम दूध से इस मैदे को गूंधूंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध शामिल करूंगी। तकरीबन मैंने इसमें 1.5 कप दूध डाल दिया है और इसी में मैं सारे आटे को मैदे को समेट लूंगी। और अब ये हाथों पे चिपके ना, लिहाजा मैं थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, 1-2 टेबलस्पून, और ऑयल लगा लगा कर इसको मैं 4-5 मिनट गूंदूँगी। आधा कप दूध बच गया है जो मैंने साइड पे रख दिया है। अब मैं इसको 4-5 मिनट ऑयल लगा लगा के गूंदूँगी। जब एक सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाएगी तो मैं इसे पैन में ऑयल लगा कर इसे राइज होने के लिए रख दूँगी। ये 1-1.5 घंटे में राइज हो जाएगा। अब मैं चिकन तैयार कर रही हूँ। चिकन तैयार करने के लिए मैंने 400 ग्राम चिकन लिया, जिसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है, लहसुन का पेस्ट भी 2 टेबलस्पून है, चिकन टिक्का मसाला मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, ये बाज़ार का है, और 2 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है। ये चारों चीज़ें इसमें जाएंगी और थोड़े से कोयले लिए हैं जो बारबेक्यू टेस्ट देने के काम आएंगे। जी सबसे पहले मैं ऑयल को पैन में डालकर और चिकन डालकर लहसुन पेस्ट, चिकन टिक्का मसाला डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें सिरका भी शामिल कर दूँगी और तेज़ आंच पर मैं इस चिकन को पकाऊँगी। ना तो मैं इसको ढकूँगी और ना इसकी आंच को मैं हल्का करूँगी। जितना इसमें पानी निकलेगा बस तेज़ आँच पर इसको रिड्यूस कर दूँगी। साथ ही मैंने कोयला भी दहकने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा चिकन का पानी रिड्यूस होगा, जैसे ये हो चुका है, अब मैं इसमें बारबेक्यू टेस्ट देने के लिए कोयले को का धुआं दूंगी। इसमें 2 कतरे मैंने ऑयल डाल के उसको ढक के रख दिया है। 2-3 मिनट में इसमें टेस्ट आ जाएगा और ये हमारा चिकन तैयार है। ये चिकन 2-3 पीसों के लिए काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि हमारी डो राइज हो चुकी है। इस डो से 3 मीडियम और 2 लार्ज पिज़्ज़ा तैयार हो सकते हैं। मैं भी आपको 1 लार्ज पिज़्ज़ा की रेसिपी दे रही हूँ। ये सॉस है, 4-5 टेबलस्पून जाएगी, ये आपको हमारे चैनल पर इसकी रेसिपी मिलेगी। और चिकन जो मैंने 400 ग्राम बनाया था उसमें से मैंने 200 ग्राम ले लिया है। और टॉपिंग के लिए मैंने शिमला मिर्च ली है 3-4 टेबलस्पून, ब्लैक ऑलिव्स हैं 2-3 टेबलस्पून, और प्याज को चॉप किया है जो कि 3-4 टेबलस्पून है, और मशरूम जो मैंने काट लिए हैं ये भी 3-4 टेबलस्पून हैं। ये सब टॉपिंग में काम आएंगे। और थोड़ा सा ओरिगानो है जो ऊपर छिड़कूंगी, और थोड़ा सा ऑयल जिससे हम अपने पैन को ग्रीस करेंगे। और चीज़ मैंने 2 तरह की ली है, मोजरेला चीज़ और चेडर चीज़, 150-150 ग्राम मिला के ये 300 ग्राम है। आप इसकी जगह पिज़्ज़ा चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने डो को निकाल लिया है और इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँगी सूखा मैदा डाल के, क्योंकि मैं 2 लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, लिहाजा मैं इसके अब 2 हिस्से कर लूँगी। आधी डो का मैं इस्तेमाल करूँगी, यानी कि 250 ग्राम मैदे से बनी हुई डो है, जिससे एक लार्ज पिज़्ज़ा तैयार होगा। मैंने पिज़्ज़ा बड़ा कर लिया है। अब मैं अपने पैन पे ऑयल लगा रही हूँ और इस तरह मैंने इसको ये सेट कर दिया डो को पैन के ऊपर, और साथ ही मैं इसमें थोड़े से ये सुराख कर रही हूँ ताकि हमारी डो फूले ना कांटे की मदद से। अब सबसे पहले मैं इसमें
सॉस लगाऊंगी, 4 से 5 टेबलस्पून सॉस में काफ़ी रहेगी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा लें। इस सॉस की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, ये पिज़्ज़ा सॉस है। अब मैं नीचे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालूंगी, और ये अब चिकन टिक्का जो बोटियां हैं ये मैं इसके ऊपर सब जगह फैला दूंगी। ये 200 ग्राम है, ये एक बड़े पिज़्ज़े के लिए काफ़ी है। अब ये ऑनियन प्याज डाली है मैंने, और साथ ये कटे हुए मशरूम्स हैं। आप टॉपिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये शिमला मिर्च मैंने डाल दी है। और जो चीज़ बच गई थी चेडर चीज़, वो मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ। ओवन मैंने प्री हीट ऑन कर लिया है। और ये ऑलिव्स मैंने लगा के इसको डेकोरेट कर दिया है। थोड़ा सा ओरिगानो 2-3 चुटकियाँ मैं ऊपर छिड़क रही हूँ, एक अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। अब मैं इसको बेक होने के लिए रख रही हूँ 250 पर, 15 से 20 मिनट में ही बेक हो जाएगा। ये मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार करके रख दिया था। जी व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है, बहुत ही अच्छा नरम पिज़्ज़ा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू लाइवली स्किल्स।